परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले परिमेय संख्या है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, यहां से प्रश्न आते हैं और यहां से जो प्रश्न आते हैं थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं। वैसे तो लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं, क्योंकि गणित के प्रश्न में अगर इसको सम्मिलित कर लिया गया, गणित के सिलेबस में सम्मिलित कर लिया गया है, तो यहाँ से अगर सारे प्रश्न पूछनी है तो अब जो प्रश्न पूछते हैं थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, क्वेश्चन नहीं रहता है। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसको लिख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो तथा क्यू का मान जीरो ना हो, पी एक पूर्णांक, तीन चीजें हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, क्यू का मान जीरो ना हो और पी एक पूर्णांक हो, अगर जिसमें ये तीनों चीजें हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। माने ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू का मान जीरो ना हो, पी एक पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे हम? एक परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, तो इसका उदाहरण लिख लीजिए, इसका उदाहरण ही महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, चार बटे सात माइनस पांच बटे बारह, अट्ठाईस बटे नौ, माइनस तीन बटे पांच, सोलह माइनस अड़तीस, बाईस बटा सात। अब यहां से बहुत कुछ भी सीखने को भी मिलेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, इसके रूप में p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q का मान जीरो ना हो, इसमें क्या q माने? अगर हम इसे इसी परिमेय संख्या को भिन्न में पढ़ना चाहें तो p बटा q को हम कहते हैं अंश बटे हर, अंश बटे हर कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? अंश बटे हर, माने p अंश होगा, q हर होगा, माने किसी भी कंडीशन हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी संख्या के हर का मान जीरो नहीं है। एक बात, दूसरी बात, यदि किसी भी संख्या का हर कुछ भी नहीं दिया गया है तो उसका हर सदैव एक मानते हैं। जिस संख्या का हर कुछ भी नहीं दिया गया होता है उसका हर क्या मानते हैं? सदैव एक मानते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, इसे क्या मानते हैं? हर को सदैव एक मानते हैं। तो फिर हम लोग आते हैं सारे एग्जाम्पल को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ये p बटा q के रूप में है, q का मान जीरो ना हो, माने ये दो चीजें इसमें भी फॉलो हो रही, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, माइनस प्लस की बात नहीं कही गई कि वह ऋणात्मक होगी कि धनात्मक, वह ऋणात्मक हो सकती है, चाहे अंश ऋणात्मक हो, चाहे हर ऋणात्मक हो, चाहे पूरी भिन्न ऋणात्मक, इसे भिन्न भी कहते हैं। ठीक, तो यह संख्या क्या हो गई? एक परिमेय संख्या होगी। नीचे आते हैं, सोलह, सोलह क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक धन पूर्णांक, तब ये क्या है? परिमेय, क्यों परिमेय संख्या? ये तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा ही नहीं गया, इसका बटा एक होगा, अगर इसका बटा कुछ नहीं दिया है इसका बटा एक मानते हैं। तो एक बात और आगे एक लाइन लिख लीजिएगा, लिखना क्या होगा कि सभी धन पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी धन पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी धन पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी धन पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं धन पूर्णांक, उनका बटा में, जबकि उसी में लिखिएगा, जबकि जबकि सभी परिमेय संख्याएं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं एक धन पूर्णांक नहीं हो सकती,
ये कथन स्पष्ट हुआ कैसे? देखिए ये सभी धन, ये सभी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, धन पूर्णांक नहीं हो सकती। लेकिन सभी धन पूर्णांक क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी संख्या हो, अनंत कोई भी संख्या हो, उसका बटा में जो जो हम एक लिखे या न लिखे एक माना जाता है, उसका बटा एक माना जाता है, उसके सामने धनात्मक माना जाता है। इतनी चीजें हर संख्या से माना जाता है, तो सभी संख्या क्या होगी? धन पूर्णांक। और जितने भी धन पूर्णांक है ये परिमेय संख्या हो सकती है, जब ये परिमेय संख्या है धन पूर्णांक। तो एक लाइन स्पष्ट हो गया कि सभी धन पूर्णांक संख्या है एक परिमेय संख्या हो सकती है, जबकि सभी परिमेय संख्या एक धन पूर्णांक नहीं हो सकता। अगली लाइन लिखिएगा, सभी ऋण पूर्ण संख्या, सभी ऋण पूर्ण संख्या या सभी ऋण पूर्णांक, सभी ऋण पूर्णांक, सभी ऋण पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी ऋण पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी ऋण पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, जबकि जबकि सभी परिमेय संख्याएं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं एक ऋण पूर्णांक नहीं हो सकती है, सभी परिमेय संख्याएं एक ऋण पूर्णांक, ये समझ में आया कथन? ये भी सेम ही कंडीशन है, क्योंकि जो ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका बटा हम एक लिख सकते हैं, जबकि ये सभी संख्या क्या है इसका बटा एक लिख सकते हैं, इनका बटा एक लिख सकते हैं। तो ये सभी जो ऋण पूर्णांक है यह परिमेय संख्या हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि वो पी बटे क्यू के रूप में हो सकती है, क्यू का मान 0, 9 और पी ए क्या हो, पूर्णांक हो, तो पूर्णांक में धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों आते हैं, इसका मतलब ये सभी क्या संख्या हो सकती है, सभी ऋण पूर्णांक या सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं एक ऋण पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या 22/7, इसको लेके काफी विवाद है, जाके स्पष्ट हो जाएगा ये 22/7 क्या है। ठीक, इसको भी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए अभी इसको लास्ट में इसके एक दो दो क्वेश्चन में सॉल्व कर, अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वही संख्या अपरिमेय होगी, माने ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, फिर सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, जिन्हें परिमेय नहीं लिखा जा सकता? नहीं लिखा सकता का मतलब क्या है? जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। जैसे अगर अंडर रूट 2 है, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखना जाना चाहे तो लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? अंडर रूट 2/1। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले कि पी एक पूर्णांक भी होना चाहिए, जो कि किताबों में बहुत कम किताबों में मिलता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बस ये लिखा होता है कि वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, तक क्यू का मान 0 ना, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती। जबकि एक लाइन इसमें और लिखना चाहिए जो हमने लास्ट में लिखवाया था कि पी एक पूर्णांक हो, तो यहाँ पे देखिए पी जो है वह एक पूर्णांक नहीं है, इसे भी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन पी एक पूर्णांक नहीं है। जब इसे हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.414 डाटा ये बढ़ता जाएगा। अब अगर इसका बटा एक लिखेंगे क्या सही माना जाएगा? क्यों? क्योंकि इसको दशमलव को जब भिन्न में बदलते हैं, जैसे लिख दिया 1.414 डॉट बढ़ रहा है, तो इसको दशमलव जगह एक लिखेंगे, जितनी संख्याएं दाएं तरफ बढ़ेंगी उतनी लड्डू बढ़ाएंगे, तो लड्डू भी फिक्स नहीं है। जब ऊपर संख्याएं फिक्स नहीं है तो लड्डू भी फिक्स, जब फिक्स नहीं है तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं व्यक्त हुआ, ये संख्या क्या हो गई? अपरिमेय। ये संख्या क्या हो गई? अपरिमेय।
परिमेय, तो अपरिमेय में क्या मिला, वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय। इसमें लिख सकते हैं अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव एक दशमलव तीन के ऊपर बार। ये बार क्या होता है? हाँ नहीं, इसे रेखा कोष्ठक कहीं कहते हैं, जब हम कोष्ठक पढ़ते इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, जो दशमलव के बाद लगता है उसे बार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम यहाँ लिख दिए एक दशमलव तीन के ऊपर बार, इसका मतलब होता है एक दशमलव तीन 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 तीन, जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ अगर मिल गया दो दशमलव तीन पाँच तीन पाँच तीन पाँच मिल रहा है, इसको लिखेंगे दो दशमलव तीन पाँच के ऊपर बार। इसका मतलब जो तीन पांच है इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसके ऊपर बार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या लिखा, टू माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव 1.3 के ऊपर बार, ये सभी संख्याएं जो है ये क्या है, ये अपरिमेय। और इसमें एक और है पाई, लिख लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कई परीक्षाओं पूछ चुका यूपी टेट में दो बार, यूपी टेट और उसमें पूछ लिया है सी टेट, पाई। पाई क्या है, अपरिमेय। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं पुनः। पाई एक परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हमने उदाहरण में लिख लिया कि अपरिमेय है। अब पाई है क्या, पाई को पहले समझ लेते हैं। लिख लीजिए हिंड लेगा पाई, पहले पाई कहते किसे है, पाई कहते किसे हैं, तो पाई के बारे में लिखते चलिए आप लोग, या तो हम बता रहे हैं किसी भी वृत्त के, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात, किसी भी वृत्त और परिधि के व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है, 22:7 होता है। कोष्ठक में 22/7, 22:7 कोष्ठक में 22/7, जिसे ग्रीक भाषा के पाई से निरूपित करते हैं, इसे ग्रीक भाषा के पाई से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यहां काम लगा दीजिए थोड़ा सा, ग्रीक भाषा के पाई से निरूपित करते हैं, जिसका मान, इसका एक मान, जिसका एक मान 22/7 तथा दूसरा मान 3.1428 अनंत तक बढ़ता जाएगा, पता नहीं लिखता जाएगा, होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पाई का एक मान या पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई का दूसरा मान 3.142 ऐसे तो डॉट डॉट लगा दीजिएगा एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या, तथा पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है, तथा पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है, तथा पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे लिख लीजिएगा, इसी में इसको छोड़ दीजिए, आगे लिखिएगा निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान
निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये निरपेक्ष मान क्या होता है? मतलब निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? इसे डब्बे में पैक कर देते हैं, समझ लीजिए आसान, इस तरह डब्बे में पैक रहेगा। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान निकालते हैं सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा, निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे -7 एब्सोल्यूट वैल्यू -7 क्या होगा? क्यों 7? 8 का धनात्मक है तो धनात्मक होगा ही, ऋणात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक, माने जैसे भी है तो सदैव धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये दे दिया तब नहीं, बाहर ऋणात्मक, बाहर ऋण है, इसका मान तो धनात्मक होगा लेकिन बाहर ऋण है, धन गुणा ऋण में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 18/5। अगर यही इस तरह से होता -18/5 निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर होता तब या तक क्यों लिखा? अगर ये अंदर होता तो धनात्मक प्राप्त, ऐसे दिखिए, और ऐसे क्या होगा ये भी समझ लीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू सदैव पॉजिटिव धनात्मक प्राप्त होती है, यदि किसी कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है गुणा माना जाता है। समान चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक होता है। समान चिन्ह मतलब जैसे माइनस गुणे माइनस बराबर धन, प्लस गुणे प्लस बराबर, माने समान चिन्हों का गुणा सदैव पॉजिटिव होता है, विपरीत चिन्हों का गुणा सदैव ऋणात्मक। समान चिन्हों का गुणा जो हमेशा पॉजिटिव और विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा नेगेटिव, ये समझ लीजिए आप। तो ये था आज संख्या पद जुड़े ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। इसके बाद हम आगे हम लोग पढ़ेंगे गणित में, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब कल से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे वो भारतीय अंक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति। ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति क्या होता है आप जानते हैं, कल वही पढ़ेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़, हजार, 10,000, तो कल मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलेगा। ठीक, तो आप लोग भी इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर जो ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए 6306344367 पर आप सीटेट, ज्वाइन सीटेट लिख के कॉल कर सकते हैं अगर आपको जुड़ना है। नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए इसी तरह।